माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में जो दीपांकर राव जी हैं, बेसिकली ये एचआर प्रोफाइल में हैं। एक्चुअल में कुछ ऐसे स्टूडेंट या कैंडिडेट्स होते हैं आपके लिए जिनसे रिलेशन बड़े मतलब आत्मीयता वाले बनते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर और जो बातचीत है, जो तरीका है, वो बहुत पोलाइट और बहुत सोफिस्टिकेटेड रहा है। और जैसे कुछ स्टूडेंट को, कुछ गुरु को कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं जो यस सर और चीज़ों में, कभी आप तेज आवाज़ या खराब आवाज़ या कहीं आप इनको भेजिए तो इनसिंसियर नहीं दिखाई देगा कहीं मामला। तो अगर कहीं हमें एचआर में कोई सिंसियर बंदा आएगा तो कुछ ऐसे लोगों के नाम होते हैं दिमाग में, 5-6-10 लोग होते हैं जिनमें इनका एक नाम है। और ये मेरे ख्याल से 2-2.5 साल तो हो गए होंगे आपको, तो 2-2.5 साल से आप जुड़े हैं। मुझे याद है जब ये पहले आए थे शुरुआत में तो प्रोफाइल इनकी शायद दूसरी थी, इन्होंने अपने को एचआर में कन्वर्ट किया था। ये अपने बारे में पूरा बताएंगे, पहले क्या था, कैसे क्या किया, यहाँ पे आए, सब अभी शेयर करेंगे अपने साथ में आपको। तो कभी इनकी पर्सनालिटी का जो पॉइंट है, मैं इसलिए आप सबसे कल पर्सनालिटी के लिए सबको बोला था कि आजकल रिपोर्ट्स आती हैं लोगों के बिहेवियर की, लोग इवन ड्रिंक करके भी कभी पहुँच रहे हैं दो, और कुछ मसाला खा के पहुँच रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं, और इनकी मतलब नॉर्मल जो नेचर है उस नेचर से एम्प्लॉयर पसंद करता है। इवन वो एम्प्लॉयर जहाँ पे लोग परेशान भी होंगे, सब लोग कंप्लेंस भी कर रहे होंगे, बट ये वहाँ पे एडजस्ट कर ले जाएंगे बिना किसी को जवाब दिए। गुस्सा इनको आएगा भी किसी बात से, लोग खराब ये नहीं बोलेंगे, अच्छा करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं आज के टाइम में, और ये उनमें से एक है। मैं दीपांकर ये कहूँगा कि जो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, बेसिकली कंसल्टेंसी का पूरा माहौल है, जो लोग आते हैं मेरे ख्याल से पहले तो सेशन शायद प्रोजेक्टर में नहीं होते थे जब आप आते थे, तो यहाँ पे शायद एक कंप्यूटर में एक दो लोग कुछ ऐसे ही शेयर कर लेते थे जी। और शायद दूसरा इंटरव्यू था जब आपका ये फाइनल हुआ होगा, पहले एक सिग्मा फाइनल हुआ था, अभी ये आपका ये सेकेंड है। तो 2-2.5 साल में जो आपको यहाँ का गाइडेंस सपोर्ट और मिला है, जो आपको नज़र आया जैसे, तो हर व्यक्ति की अपनी काबिलियत भी है, बिना काबिलियत के भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। खुद का नेचर, खुद की काबिलियत, पर्सनालिटी, ये मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ऐसी उम्मीदें कर लेते हैं कि जादू की छड़ी शुक्ला सर चलाएंगे तो काम हो जाएगा। एक कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है दैट मेक सेंस, वो बहुत बहुत माने रखती है, उसकी पर्सनालिटी माने रखती है। दीपांकर, जो तुम्हारा यहाँ का एक्सपीरियंस है और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ अपनी फीलिंग शेयर करो कि कैसे यहाँ पे आए, कैसे पता चला, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग मिली गए, और क्या चीज़ें जरूरी हैं। वैसे क्योंकि एचआर की फील्ड की हो तो साइकोलॉजी भी जानते होंगे, सब चीज़ों को जानते ही हो, तो चीज़ें शेयर करो जो लोगों को मोटिवेट भी करें, और इस संस्था क्यों ये और लोगों से अलग करती है, ये चीज़ें लोगों को शेयर जरूर करो जी, शेयर करिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपांकर राव है, और सबसे पहले मैं हमारे शुक्ला सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना बेस्ट गाइडेंस हमें दिया, और सर के गाइडेंस के द्वारा ही आज मैं जिस पायदान में बैठा हूँ, जिस जगह बैठा हूँ, उसमें सर का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे साथ में अभिषेक सर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका भी सपोर्ट काफ़ी रहा है, 20-20 पढ़ने के पीछे रहते हैं, तो बैक सपोर्ट हमेशा मेरे साथ में रहे हैं। तो जितना भी इंटरव्यू मैंने दिया उसमें, उसको लाइनअप कराने में या फिर रिज्यूम बिल्डिंग में और भी चीज़ों में उन्होंने सपोर्ट दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 12-13 साल का मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का अभी तक का। तो मैंने 5-6 साल मैं दिल्ली में था, मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंस में वर्क किया, मैंने अलग अलग फील्ड में मैंने देखा, मार्केटिंग किया, फिर मैं दिल्ली से कानपुर आया, मैंने रामा हॉस्पिटल में भी मैंने जॉब किया काफ़ी समय हॉस्पिटल मैनेजर के रूप में। और उसके बाद में फिर मुझे किसी फ्रेंड के द्वारा में शुक्ला सर के बारे में जानकारी हुई, संस्कार सोसाइटी के बारे में, जहाँ पे मुझे एक अपने लाइफ के बारे में एक नई चीज़ पता चली कि हाँ, मैं एचआर में अपना करियर आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने सर का गाइडेंस लिया, अभिषेक सर की भी मदद ली, और आज मैं इन रिक्वायर्ड में एज एचआर मैनेजर वर्किंग हूँ यहाँ पे। मुझे अभी रिसेंटली 2-2.5 महीने हुए काम करते हुए, और इससे पहले मैं सिग्मा स्लॉटिंग का ऑपरेशन में था एज एचआर मैनेजर, जहाँ पे कोई भी एचआर नहीं था, मैं पहला एचआर था जिसने वहाँ पे कई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, एचआर पॉलिसीज बनवाई, सैलरी में काफ़ी सारे सुधार हुए, ऑपरेटर वगैरह और भी जो चीज़ें होती थी जो सुधार हो सकते थे वहाँ पर मैंने किया जाके। मेरे आने के बाद में वहाँ पे 2 HR और ज्वाइन हुए, अब मैंने वहाँ पे छोड़ दिया है और इनक्वाइन ज्वाइन कर लिया है। अब जो सुधार मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ इनक्वाइन में, और सर का गाइडेंस प्रॉपर मुझे मिलता रहता है। और आप आगे आप आज से कंसल्टेंसी का आज का बहुत टाइम है दीपांकर, बहुत लोग आते हैं तो बहुत डाउट दुविधा होती है,
जो डिफरेंस फील करते हो जैसे कि जैसे गाइडेंस करते हो, क्या डिफरेंस तुम्हें अलग नज़र आता है और कंसल्टेंसी से यहाँ पे? डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस मैं ये बताना चाहूँगा, आज बहुत सी मार्केट में कंसल्टेंसी से लोगों से फेक कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, जो कैंडिडेट से पैसे ले लेंगी, पहले एडवांस ले लेंगी या कुछ इस तरह से कि हम पैसे ले लेंगे, हम आपकी जॉब 100% छोटी देती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी सर की 100% छोटी है, कैंडिडेट को अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखना पड़ेगा। सर आपके लिए पूरा एफर्ट दे सकते हैं, आपका रिज्यूम से लेके आपको जो प्रॉपर गाइडेंस इंटरव्यू टिप्स दे सकते हैं, आपके लिए बात कर सकते हैं कंपनीज में आप, लेकिन फेस आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप सर की गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसमें फिर आप सर को ब्लेम करें या फिर अपने आप को, वो फिर आपका फेलियर होगा। अगर आपके सर के गाइडेंस को आप प्रॉपर आप फॉलो करते हुए आप चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे आप उस चीज़ में सफलता प्राप्त। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये थे वहाँ पर मेरे बहुत सारे कैंडिडेट पहले भी काम कर रहे थे, उनसे भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, बट मैंने देखा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं कानपुर में जो मैंने इसके पहले भी वीडियो आप सबको अपलोड किया था कि फैमिली बिजनेस जहाँ पर भी रहता है वहाँ पे कोई एक नया बंदा जाके एडजस्ट कर ले, जहाँ पे फादर लड़के से भी बैठ रहे हों वहाँ पे जाके अगर वो एडजस्ट कर ले और वहाँ पे कुछ वो चला ले जाए, क्योंकि वो आसान नहीं होता, वो सबको सुना ले जाए। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि एक फैमिली बिजनेस वाले ऑर्गेनाइजेशन को कानपुर में जो प्रोफेशनल है वहाँ तो आप एचआर पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, बट जहाँ पे फैमिली बिजनेस है वही केवल फैमिली के सारे मेम्बर्स आ रहे हैं, वो सुनने की बात सुन रहे हैं, कर अपने मन की रहे हैं, और ऐसी जगह पे आप अगर कुछ स्ट्रक्चर करके कर जाए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे, फिर हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिन के बाद में पॉलिटिक्स का एक सेंटर हो जाता है, उसके बाद भी काम किया क्योंकि आपको पसंद भी किया गया, और बहुत अच्छी बात है ऐसे टाइम पे जो उन्होंने सीखा है पहला एचआर और ऐसी पोजिशन से और ऐसी कॉम्प्लेक्स पोजिशन से एचआर सीख करके जो आता है वो डायमंड अपने आप में बन जाता है, और बहुत साइलेंटली धीमे धीमे काम करना और रिएक्ट नहीं करना, खराब नहीं बोलना, ये भी आजकल अगर कोई ख़राब बोल रहा हो बहुत बड़ी बात है, ऐसे बहुत कम लोगों से एम्प्लॉई मिल पाते हैं जो मैंने फीडबैक मिली है, क्योंकि मैंने इसके बाद भी उनसे जब बात करी थी ओनर से तो उन्होंने इसके बारे में दो लाइनें अच्छी गई थी, ख़राब नहीं गई थी, और वो अपने डिसीजन को मतलब उनको लग रहा था कि हमें उसको रोकना चाहिए था, ये चला गया, हमसे गलती हो गई है, ही फेल्ट लाइक दिस, ये बोलते हैं एक एम्प्लॉई की डायमंड की उसकी एक्स फैक्टर, इसके पास वो क्वालिटी है, और ऐसा बंदा निश्चित रूप से आगे बड़े करियर की ओर जाता है। हम सब की उसके लिए दुआएं भी हैं, उसकी बंदे की काबिलियत भी है, और आप सबको इस बात के लिए मैं कहूँगा कि आप इस प्रयास को लगातार करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंटर, माय श्योर जॉब हंटर।